बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। इस फ्रेम में हम लोग आप लोगों से एमडी कैट रीकंड के हवाले से लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। आपको बताते चले कि केएमयू ने अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर ये शेयर कर दिया है कि एमडी कैट जो केपी के अंदर रिकंडक्ट होना है वो 26 नवंबर को होगा। ठीक है, पहले ये डेट बताई जा रही थी कि 19 नवंबर को होगा, लेकिन आपको बताते चले कि अब इनके ऑफिशियल वेरीफाइड पेज के ऊपर ये आ चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि आपका एमडी कैट जो है वो 26 नवंबर को कंडक्ट होगा। ठीक है, और ज़्यादा चांसेज यही है कि आपका भी के अंदर भी जो है वो 26 नवंबर को होगा, क्योंकि दोनों का जो है वो सेम डे के ऊपर ही पीएमडीसी कंडक्ट करेगा। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दे, स्पेशली जो स्टूडेंट जो है केपी के और सिंध से बिलोंग करते हैं वो आप लोग जो है मकसद ऐप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनका रिकंडक्ट का बंडल जो अवेलेबल है 70% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग प्रोमो कोड PLS लगाए गए। वीडियो लेक्चर, टेस्ट, डाउट सॉल्वर, क्वेश्चन बैंक, ये तमाम चीज़ आपको मिलेगी और बहुत अच्छा पैकेज है। आपको जो है वो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, बाकी अकेडमीज में आपको टाइम जो है वो अब आप लोग नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर और टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग ये घर बैठे जो है इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप लोग इनकी मकसद ऐप डाउनलोड कर लेगा, और इसके अलावा आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है parklearningspot.com के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको MCQs, बैंक जो पास पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट है, इससे भी आप लोग जो है लाजमी प्रिपरेशन करें। ठीक है, इसके अलावा आपको बताते चले कि KMU ने आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली अपलोड किया है पूरी प्रेस रिलीज। ठीक है, 24 अक्टूबर को अपलोड हुई है, तो आप लोग ये देख लेगा। इसमें फर्दर अपडेट्स ये लिखी हुई है कि इस दफ़ा जो है KMU खुद कंडक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखेगा कि अगर किसी ने भी जो है वो चीटिंग की या इस तरह का होगा तो उसको भी जो है वो फौरी वो फिर उसके खिलाफ जो केस होगा और फिर बाकी चीज़ें होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल तकरीबन 46,439 स्टूडेंट थे जिन्होंने अपेयर हुए थे, और इसमें आप लोग को पता चला कि तकरीबन 219 स्टूडेंट को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और अब इसमें जो है वो दोबारा से काफ़ी ज़्यादा जो है वो जैमर्स लगाए जाएंगे, वॉक थ्रू गेट्स हो गए और मेटल डिटेक्टर्स हो गए कि दोबारा से ब्लूटूथ चीटिंग्स ना हो। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो वाइस चांसलर है KMU के, उन्होंने भी नोटिफिकेशन शेयर कर दिया था कि 26 नवंबर को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा सिंध में जो है अभी तक यही कहा गया कि 19 नवंबर को होगा, लेकिन डेफिनेटली जो है वो फिर ये भी जो है 26 नवंबर को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी वेट का इंतजार, इसी वीक में इंशाल्लाह जो है PMDC भी जो है वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन शेयर कर देगी, और PMDC ने बाहर जो है वो KPK और सिंध के अंदर दोबारा से एमडिकेट करने के ऊपर से, कंडक्ट करवाने के ऊपर से जो है वो रजामंदी शो कर दी है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग ये जो अपडेट्स है हमारी वेबसाइट से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपडेट्स कर रहे होते हैं कि आपकी किस डेट के ऊपर कंडक्ट होगा। अभी तक जो है ज़्यादा कंफर्म यही है कि आपका दोनों सूबों में, सिंध और KPK दोनों में जो है वो 26 नवंबर को ही कंडक्ट होगा। आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग हमें चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।